वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम एनटीपीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो एनटीपीसी स्टॉक ने पिछले यहाँ पे फ्राइडे यहाँ पे 131.95 पे क्लोजिंग दे चुकी थी, 1 पॉइंट की गिरावट हो चुकी थी। तो एनटीपीसी स्टॉक की लास्ट 1 वीक की भी बात की जाए तो लास्ट 1 वीक में 2.29% अप है, और 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते एनटीपीसी 2.69% की गिरावट हो चुकी है लास्ट 1 मंथ के अंदर। तो एनटीपीसी स्टॉक के यहाँ पे देखा जाए तो इंट्रेंसिक वैल्यू भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, मीन्स यहाँ पे रिटर्न वर्सेज ऑन इक्विटी भी देखी जाए तो स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। तो बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न दे रहा है एनटीपीसी स्टॉक। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक अच्छा डिविडेंड रिटर्न दे रहा है। और एंट्री पॉइंट की भी बात की जाए तो गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरऑल जोन, तो स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। नो रेड फ्लैग्स फाउंड, स्टॉक नॉट इन एस एम जी एस एम लिस्ट एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेज, तो स्टॉक एस एम लिस्ट में भी नहीं है और ज्यादा करके प्रमोटर होल्डिंग में शेयर भी प्लेज नहीं है। तो यूटिलिटीज में यहाँ पे आप देख सकते पावर जनरेशन में मोटा है और लार्ज कैप का यहाँ पे स्टॉक है तकरीबन एनटीपीसी स्टॉक। तो रिस्क भी देखी जाए तो यहाँ पे 1.74 एज वॉलेटाइल एज निफ्टी है, मीन्स रिस्क ज्यादा नहीं है स्टॉक के अंदर। फॉरकास्ट रिपोर्ट भी देखा जाए तो फॉरकास्ट में देख सकते हो 92% तकरीबन 25 एनालिस्ट की राय ली गई थी, उनमें से 92% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि तकरीबन ए स्टॉक में इन्वेस्ट करो, 25 में से 23 तकरीबन एनालिस्ट कहते हैं कि ए स्टॉक में इन्वेस्ट करो। तकरीबन करंट प्राइस 131.95। न्यूज़ की भी बात की जाए तो न्यूज़ में देख सकते हो एनटीपीसी की यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है कोई, तकरीबन एनटीपीसी रिक्रूटमेंट है 2022, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 1 डे एगो इंडिया श्रीलंका साइन एग्रीमेंट टू बिल्ड सोलर पावर प्लांट इन आइलैंड नेशन द फाइनेंशियल एक्सपेंस, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आइलैंड नेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी ने एग्रीमेंट किया है श्रीलंका के साथ, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो मीन्स यार। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे होल्डिंग भी देख सकते हो एनटीपीसी स्टॉक की, तो एनटीपीसी स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग पिछले 6 महीने में कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे शेयर्स भी ज़्यादा प्लेज नहीं है, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में शेयर्स प्लेज नहीं है जो कि अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की भी बात की जाए तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग पिछले 3 महीने से कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआई की होल्डिंग भी देखी जाए तो पिछले 3 महीने में यहाँ पे एफआई की होल्डिंग 1.05% से बढ़ चुकी है। बाकी के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 51.10% की है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 17.75%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है 13.16%, एफआई की होल्डिंग है 14.54%, रिटेल एंड पब्लिक होल्डिंग भी देख सकते हो 3.45% की है। तकरीबन यहाँ पे एनटीपीसी की यहाँ पे देखी जाए मार्केट कैप तो मार्केट कैप है 1,27,000 करोड़ की है, तकरीबन यहाँ पे पी रेशो भी अच्छा है 7.97, बुक वैल्यू 134 का है। तकरीबन आरओसी की भी बात की जाए तो आरओसी 8.57 का है, कंपनी का आरओई भी है रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% का, डिविडेंड यील्ड है 4.66% का, डेप्ट कंपनी के ऊपर है 2,08,000 करोड़ का डेप्ट है, नेट प्रॉफिट है 16,051 करोड़ का, ईपीएस है 16.6, सेल्स कंपनी के 1,25,000 करोड़ के सेल्स है, टोटल एसेट्स है 4,08,000 करोड़ के, प्रमोटर होल्डिंग है 51.1% की और प्रमोटर होल्डिंग में शेयर्स प्लेज नहीं जो कि अच्छी बात है। एक साल में 20.9% का रिटर्न अभी तक दे चुका है एनटीपीसी लिमिटेड स्टॉक। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट एनटीपीसी स्टॉक के लिए।